नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ग्वालियर में आरक्षण के विरोध में उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। ये लोग सड़कों पर हथियार लेकर उतरे और जो भी सामने आया उस पर वार कर दिया। थाटीपुर एरिया तक इन लोगों ने दर्जनों दो पहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इस उपद्रव में महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट तक की गई। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस मूक दर्शक बने देखती रही। इसमें केंद्र सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा और कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है आरएसएस के सारे पर। तो हमारा विरोध आरएसएस और मोदी सरकार के विरोध में है कि उनने वहाँ पक्ष क्यों नहीं रखा ऐसी एक्ट को लेकर। तो संपूर्ण भारतवर्ष में दलित वर्ग संगठनों और ओबीसी वर्ग संगठनों का इसको लेकर विरोध प्रदर्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बिल आया केंद्र सरकार पक्ष रखकर उसका संशोधन करवा। जो प्राइवेट वाहन है वो नहीं चले और दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। मेरे मैसेज की ड्यूटी लगी वैल्यूशन में KV3 जा रहे थे चौहान टाउन पे। जैसे ही हम आए वो सामने भीड़ आ रही थी लोगों का, साइड में कर लो। हमने गाड़ी साइड में कर ली फिर भी उन्होंने डंडे मारे और फाँक दिए। रैली निकल रही है इसकी, जय भीम के नारे लगा रहे। शिकायत थाने वाले शिकायत ये भी करेंगे, वहाँ पे दर्ज करेंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।